चलिए, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग हमारे स्ट्रैटेजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर कर रहे हैं, और इन टॉपिक के अंदर हम लोग हमारे 40 टॉपिक थे, उसमें से कल क्लास नहीं हो पाई थी ना। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू एवरीवन। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो 33 वाला भी करना है हमें टॉपिक, और 34 भी करना है। तो लेट्स डू वन थिंग, कल मैं क्या वैक्सीनेशन के लिए गया था तो क्लास हो नहीं पाई थी, तो 33 और 34 दोनों टॉपिक है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है गाइस, वरुण ने अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर को दिखा क्या हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं। अवॉइड मत करो, दिखा के आओ डॉक्टर को, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 10th तक, ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डेजर्ट किया, वॉल्केनो किया और नेशनल सिंबल कर लिए, यानी कि 31 किया, 32 किया, 33 किया। आज हम लोग हमारे 34 टॉपिक है जो कि कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक होगा ये मैं आपको देख के बता देता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को। आपका कोई स्पेशल पढ़ने का मन है तो वो बता दो मेरे को। चलिए, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट इंडिया, ये कर लिया था क्या? नहीं किया। इंडिया का कोई भी चीज जो कि लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है और लार्जेस्ट है। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, किसका? इंडिया का। ठीक है, ये वाला टॉपिक है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन इन इंडिया भी पढ़े थे। ठीक है गाइस, और हाँ ये तो कर लिया ना, ये रहा लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, ये तो हम लोग कर चुके हैं। 22 टॉपिक था, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये तो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट हो गया क्या? ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ ना? हाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। आज हम लोग 34 टॉपिक हमारा नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे कहाँ पर है, इन वाले में देखो कहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रांसपोर्ट। नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब? या तो एयरवे के थ्रू चले जाओ, या रेलवे के थ्रू, या वाटरवे के थ्रू, या फिर रोडवे के थ्रू, रोडवेज के थ्रू। चार ही तरीके हैं। कोई है क्या पांचवा तरीका जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो? पब्लिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक मतलब प्राइवेट व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे महंगा होता है आपका
सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एयरवेज, फिर सेकंड नंबर पे रोडवेज, थर्ड पे रेलवेज, और सबसे चीपेस्ट होता है आपका वाटरवेज। सबसे सस्ता तरीका है सामान भेजने का एक जगह से दूसरी जगह, समझ गए? देखो भाई, भारत में जो है रोड, रेल, वाटर, शिपिंग और एयरवेज, इनके द्वारा हम लोग सामान भेजते हैं। वाटरवेज और शिपिंग एक तरीके से एक ही बात है। इन रोड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग रोड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं अलग से, एयरपोर्ट तो हम लोग अलग से कवर कर चुके हैं पहले टॉपिक में। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट आपको मालूम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो एयरपोर्ट वाला, ये देखो ये रहा एयरपोर्ट, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में रोड, वाटरवे, रेल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो रोड की बात करें तो दोस्तों, भारत का रोड जो नेटवर्क है वो है नियर बाय 50 लाख किलोमीटर का। ठीक है, 89, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो क्या? छत्तीसगढ़ में आप स्टार्ट कर सकते हो ना ऐसे पे, जरूरी नहीं है ना कोई और हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, 1 मिनट का टाइम दे दो। चलिए, तो आप देख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पूरी दुनिया में आफ्टर चाइना। ये देख सकते हो आप हाईवे का मैप है, पूरे देश में किस तरीके से जाल बिछा हुआ है हाईवे का। तो हम लोगों के यहाँ पे एक दूसरे से जगह जाने के लिए हाईवे से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ पे एक्सप्रेसवे 1200 किलोमीटर के हैं, नेशनल हाईवे 1 लाख किलोमीटर के, स्टेट हाईवे 1.5 लाख, मेजर और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 17 लाख, और गांव की जो रोड है वो 27 लाख। तो क्लासिफिकेशन होता है ये रोड्स का हमारे यहाँ पे, समझ गए? हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है जी, सबसे पहले आपके क्या होगा, आप इसको थोड़ा और अपडेट कर लेना, नियर बाय ये आपके 58 लाख किलोमीटर का है, समझ गए? और चाइना के बाद नहीं है, यूएसए के बाद में है सेकंड रोड नेटवर्क, यूएसए नंबर वन पर है। तो 58 लाख किलोमीटर का है टोटल और यूएसए नंबर वन पर है। अभी बताऊंगा मैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो सबसे फास्ट होते हैं वो होते हैं एक्सप्रेसवेज। ठीक है, क्या होते हैं एक्सप्रेसवेज? होते हैं जो कि नॉन स्टॉप चलते हैं। एक्सप्रेसवेज में क्या होता है कि मिनिमम लिमिट होती है, यमुना वाले पे जाओगे ना तो मिनिमम 100 किलोमीटर पर आवर चलानी पड़ेगी। ठीक है, वर्षा आप वेबसाइट के थ्रू ट्राई करिए, मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं हो रहा तो वेबसाइट के थ्रू ट्राई कर लो, हो जाएगा, समझ गए? तो और लेकिन जो नेशनल हाईवे होते हैं उसके अंदर आप 100 के नीचे दोस्तों चलाते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक्सप्रेसवे में टोल भी बहुत ज्यादा लगता है। 6 लेन हाईवेज होते हैं, देखा होगा ना यमुना एक्सप्रेस, आपने देखा नहीं तो सुना होगा। तो यमुना एक्सप्रेस और नेशनल हाईवे जो बाकी वाले, दोनों में बहुत फर्क है। रोड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बीच में कट्स नहीं होते, है ना? तो एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 1500-2000 किलोमीटर के आसपास है जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले बॉम्बे और पुणे वाला दोस्तों स्टार्ट किया गया था,
एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था हम थोड़ा सा। और ये आपके फोर या फिर सिक्स लेन है, बस पे 12 बजे क्लास होती है शाहरुख। ठीक है गाइस, तो हाई स्पीड रोड जो है 4 लेन और 6 लेन है जो कि यहाँ पे बनाई जाती है और डिजाइन भी काफी जबरदस्त होता है। टोल रोड्स होती है और हमारे यहाँ पे नियर बाय 1500 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे देखने को मिलता है। सबसे पहले कौन सा था, मुंबई और पुणे वाला, नियर बाय 100 किलोमीटर के आसपास था। ओके, गवर्नमेंट का प्लान है कि 2022 तक जो है 1500 को बढ़ा के कोई 18000 किलोमीटर है जो कि बढ़ा दे, एक साल बचा है, खैर पूरा तो होने नहीं वाला, वो बात अलग है। ठीक है, NHAI है अपना, नेशनल एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NEAI, वो NHAI के अंडर में काम करती है। ठीक है, NHAI के अंडर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंडर में काम करती है। ठीक है, और बताओ और कौन कौन से, यमुना एक्सप्रेस हो गया, आप फिर सेकंड बना यमुना, तीसरा आगरा वाला भी तो है, तीसरा वाला आगरा लखनऊ के अंदर भी बना हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले 2016 में ओपन किया गया था, और अंडर कंस्ट्रक्शन में एक और है जो कि सबसे बड़ा बनेगा, यह है आपका मुंबई नागपुर, 2019 में स्टार्ट किया गया था, यह आपका लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है जो कि बनेगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे इसका काम चल रहा है। इसके अलावा चेन्नई बैंगलोर, चेन्नई सेलम, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बहुत साल से काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ, ये सब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या एक्सप्रेसवे बने क्या, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाओ, नेशनल हाईवे। ठीक है गाइस, नियर बाय हमारे यहाँ पे 1.42 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे है जो कि देखने को मिलेगा भारत के 2.7% जो टोटल रोड नेटवर्क है ना, वो आपका हाईवे देखने को मिलता है। 1.2 लाख है, 1.2 किलोमीटर नहीं है बेटा, लेकिन आप देखो फर्क देखो कि 2.7% है सिर्फ टोटल रोड नेटवर्क का, लेकिन 40% रोड का ट्रैफिक लेके चलता है, सोचो 40% रोड का ट्रैफिक है जो कि लेके चलता है। और NHAI है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जो कि इसका काम डेवलपमेंट मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का करती है। ठीक है, और इसमें सबसे दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे आपका, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बोलते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है ये चारों को कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक था आपका नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करने वाला, कश्मीर टू कन्याकुमारी, इनको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि कहते हैं, झांसी से ये पास होता है। ठीक है, ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनके चलते हैं, समझ में आ गई, इसी प्रकार से कोई दिक्कत। ठीक है, ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना है NHAI अथॉरिटी, इसको बनाया गया 1988 के अंदर, डेवलपमेंट का काम, मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का, हाईवे का यही करती है। ओके, 95 से ये काम स्टार्ट कर रही है।
कौन है अभी हेड कॉन इसके, एनएसजीआई के हेड कौन है? हाँ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सुखबीर सिंह इनका नाम है, हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, ठीक है। 1988 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, चेयरपर्सन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। वैसे ही हमने एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या कर रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे हमारे हाईवेज का स्टैंडर्ड को। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में स्टार्ट किया, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, चारों मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करना, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, पोरबंदर से सिलचर और कुशीनगर से कन्याकुमारी, समझ गए? पोरबंदर से सिलचर, कन्याकुमारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। अगर मैं हमारे देश के टॉप हाईवेज की बात करूं तो नाम आपको मालूम है, हाईवे के बदल गए हैं, पहले नाम अलग थे। पहले हमारे देश में प्रीवियसली लॉन्गेस्ट कौन सा था? पहले NH7 हुआ करता था, और अभी नाव कौन सा है? नाव NH44, ठीक है। हमने नाम चेंज कर दिया है, तो लेटेस्ट वाले जो टॉप फोर है, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आपको उसमें टॉप 10 दे रहा हूं, लेकिन आपको जो याद करने हैं एग्जाम के लिए वो आपको टॉप 5 करने हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो पूछ रहा है, सर सिलचर जो है वो कहाँ पर है? सिलचर बेटा आसाम के अंदर है, ठीक है, 350-300 किलोमीटर गुवाहाटी से दूर पड़ता है। कैप्टन थॉमस करके थे, उनके द्वारा जो है सिलचर की स्थापना है, जो कि करी गई थी कोई 1830 या 1832 के आसपास, ठीक है। और कुछ जानना है? बहुत है। और बंगाली यहाँ पे मेजरली बोली जाती है। NIT सिलचर का नाम सुना है? NIT भी है वहां पे, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी ने इसको आइलैंड ऑफ पीस का नाम है जो कि दिया था। वर्ल्ड का पहला पोलो क्लब भी यहीं पे बना था, ठीक है। और कुछ जानना है? बहुत है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे NH44, 1 से लेकर 2 तक, 1 से 1, ये देखो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी सीधा सीधा जा रहा है एकदम, दिख रहा है NH44? अरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? NH44 सबसे लंबा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्थ से लेकर साउथ का। अब अपन बात करते हैं ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट का, ये कौन सा है? NH27। तो कुल मिला के बात ऐसी है, मेरा कहने का मतलब यह है, दो हाईवे हो गए, एक तो नॉर्थ से साउथ, ये आपका वेस्ट से ईस्ट, ये तो हो गया आपका NH44, और ये हो गया NH27। बहुत सिंपल तरीके से याद करवाऊंगा, बिल्कुल, मतलब इस क्लास के बाद में आपको सारे नेशनल हाईवे याद हो जाएंगे, इतना सिंपल तरीके से करवाऊंगा, समझ गए मेरी बात? ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी, बढ़िया, आपको इसी क्लास के अंदर जो है याद हो जाएगा, लोड ही नहीं लेना किसी बात का। व्हाट माय पॉइंट? अब एक बात मुझे ये बताओ, वेस्टर्न साइड पे अगर मैं ये मानू कि आपको जाना है
ठीक है, 44 मान लो। पहले हमने क्या किया, NH4 और NH8 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, समझ गए। अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं जाऊंगा NH48 के माध्यम से, समझ गए। पहले जो NH4 और NH8 थे ना, उनका नाम चेंज करके NH8 है दोस्तों, NH48 है जो कि बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली से दोस्तों कुल मिला के ये चेन्नई तक जाता है। अरे दिल्ली से जयपुर जाना है, जाते थे तो NH8 से जाते थे ना। अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, समझ गए। तो कुल मिला के आप इसको ये करो और लंबा ले जाओ, चेन्नई तक ले जाओ, ठीक है। ये आपका NH48 हो गया, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब इधर आ जाओ, मैं जा रहा हूं पंजाब से, मुझे जाना है पंजाब से कर्नाटका, पंजाब से कर्नाटका, तीन याद हो गए, NH44, NH27 और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, नॉर्थ से साउथ तक जाना है अगर घूम के जयपुर होते हुए तो NH48। अब अगर मुझे पंजाब से कर्नाटका तक जाना है, समझ गए, तो मेरे को NH52 है दोस्तों, जो कि काम में लेना पड़ेगा, NH52। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जल्दी बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ, NH44। हाँ, इससे वेस्ट गुजरात से आसाम कौन सा है, 27। मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, NH48। अब मुझे जाना है पंजाब से कर्नाटका, NH52। चार तो आपको अभी हाथों हाथ है जो कि याद हो चुके हैं, चार तो आपको अभी हाथों हाथ याद हो चुके हैं, जिसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब मेरे को जाना है उत्तराखंड से जाना है आंध्र प्रदेश, मुझे यूके से जाना है आंध्र प्रदेश इस साइड से, तो NH30 है जो कि आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए ये तेलंगाना में जाता है, तेलंगाना कर लो आप इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। कौन सा है, NH52 तो बता दिया ना आपको, पंजाब से कर्नाटका वाला 52 हो गया ना, अरे 52 बता तो दिया। अब NH30 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो कि पहले मेरे ख्याल से शायद 221 हुआ करता था, समझ गए मेरी बात। NH44 और 27 को हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ तक हो गया क्या सबका, वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दी बताओ नॉर्थ से साउथ कौन सा है। हाँ, वेस्ट से ईस्ट कौन सा है, वेस्ट दिल्ली से चेन्नई,
वाया बॉम्बे जयपुर, NH 48, पंजाब से कर्नाटका, NH 52, यूके से जाना है मेरे को तेलंगाना, कौन सा है? NH 30, बिल्कुल सही जवाब। तो आपके दोस्तों ये टॉप 5 जो है हाईवे वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कि आपके मेघालय, असम और मिजोरम जाएगा। मेघालय, असम और मिजोरम, इस तरीके से। क्या नाम है उसका? असम। इसको एक तरीके से लाइफलाइन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसको बोलते हैं आपका NH 6, NH 6, शिलोंग विलोंग होते हुए आइजोल जाएगा ये। अब ठीक है, डन है एकदम, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से कोई दिक्कत, बस इतने याद कर लो, बाकी आपके एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एक और कर लो, पहले NH 2 था जो कि दिल्ली से कोलकाता जाया करता था, याद है क्या आपको? इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे। पहले क्या होता था कि NH 1 तो दिल्ली से फसीला जाता था पंजाब, और NH 2 आपके दिल्ली से कोलकाता जाया करता था, है ना, प्रीवियसली। अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसको बोलते हैं प्रेजेंट में NH 19। टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय भुवनेश सर, 63,000 के आसपास लोग होंगे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ठीक है, दिल्ली से कोलकाता NH 19, कितने हाईवे कर लिया हमने? टोटल हमने अभी तक 7 हाईवे है जो कि याद कर लिए हैं। 7 हाईवे याद कर लिए और आपको शायद पता भी नहीं चला होगा अभी तक। व्हाट माय पॉइंट? चलो रिवीजन करें वापस से। अब ये मैंने ऊपर टेलीग्राम चैनल लगा दिया है, आप इससे सब्सक्राइब कर लेना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। नॉर्थ से साउथ, ठीक NH 44, ईस्ट से वेस्ट NH 27, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, एक तरीके से गोल्डन कॉर्डिलेटर हो गया ना, मुंबई दिल्ली मुंबई चेन्नई, कौन सा है? NH 48, 4 और 5 को मिलाकर। उसी प्रकार से पंजाब से कर्नाटका, NH 52, उसी प्रकार से उत्तराखंड से तेलंगाना NH 30, उसी प्रकार से आपका
आसाम से मिजोरम, NH6 बिल्कुल सही है। और कौन सा रह गया एक? हाँ एक रह गया आपका दिल्ली से कोलकाता। NH19 मस्त बनाया ना एकदम मैप। अगर इसकी फोटो ले लेना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। चलो ठीक है, डायग्राम लिखे, डायग्राम को देख लो, वापस देख लो डायग्राम, समझ लो। NH1 देखो ये रहा 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, 52 देखो ये रहा दिल्ली से, सॉरी 48 देखो ये रहा दिल्ली से, ये रहा दिल्ली, दिल्ली से 48 ये रहा बॉम्बे गया, बॉम्बे से चेन्नई गया। 52 वाला देखो पंजाब है, संगरूर नाम की जगह है, तो यहां से पंजाब से होते हुए 52 देखो यहां से होते हुए कहां गया कर्नाटका। उसी प्रकार से उत्तराखंड वाला देख लो 30 ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड से होता हुआ आपके तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद आंध्र प्रदेश ये रहा 19 ये रहा दिल्ली से होता हुआ कोलकाता तक, लास्ट में ये देखो ये रहा NH6 ये रहा 27। ठीक है क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया क्या? ये पूरी रामायण ये सामने ये लिखी हुई है। पहले 44, पहले 7 बोलते थे, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु गिरा, NH27 गुजरात से आसाम, NH48 दिल्ली से तमिलनाडु चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, 52 पंजाब से कर्नाटका, पंजाब से इधर से आएगा ये, इधर से जाके कर्नाटका, फिर आता है 30 उत्तराखंड से तेलंगाना। यहां से आता है NH6 आपके मेघालय आसाम और मिजोरम। एक्सप्रेस वे बता दो दिया बेटा, तीन ही तो थे स्टार्टिंग में। ठीक है बाकी आपको करने नहीं है, ये 16 है कोलकाता से चेन्नई वाला, याद करने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है गाइस बाकी सारे कोई दिक्कत नहीं है। ओके मेरा 19 NH2 बोलते थे पहले इसको, दिल्ली से वेस्ट बंगाल, दिल्ली से वेस्ट बंगाल। ठीक है डन है एकदम, रोड हाईवे हो गया क्या? हाईवे सारे आ गए, अब वाटर की तरफ चलेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ। अगर आपने नेशनल हाईवे कर लिए हैं तो अपन आगे बढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट कर चुके हैं, हाईवे कर चुके हैं, अब अपने वाटरवे बचा है, उसके बाद में रोडवेज भी कर चुके हैं, रेलवेज भी कर चुके हैं। रेलवेज में तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, रेलवे कर चुके हैं क्या पहले? रेलवे भी कर लेंगे चिंता मत करो, रेलवे तो नहीं किया पहले अपन ने, कर लेंगे रेलवे भी कर लेंगे। ठीक है वाटर
वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे चीपेस्ट तरीका है वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या है 1967 में स्टार्ट किया, सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना, हेडक्वार्टर कोलकाता में बना, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन करना गुड्स का सामान का है ना, जमीन के अंदर वाटरवे सामान लेके जाना, तो 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ और हमने शिपिंग और नेविगेशन स्टार्ट किया। हमने रिवर कैनाल बैक वाटर क्रीक इनको यूज करके नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, लेकिन हम बना नहीं पाए। इस तरीके से सामान है जो कि लेके जाया जाता है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन सबसे सस्ता तरीका है। हमने यहाँ पे दोस्तों 5 नेशनल वाटरवे हैं जो कि बना रखे हैं। हमारे गडकरी साहब ने तो बोला था कि हम 111 बनाएंगे, लेकिन जितने पहले थे उतने ही रह गए, मतलब आगे बढ़ नहीं पाए ज्यादा। सॉरी, इसको बोलते हैं NW, जैसे हाईवे होते हैं ना वैसे वाटरवेज भी होते हैं। 111 का टारगेट है जो कि बनाया गया, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन में है वो वही है जो कि पहले थे, टोटल 5। 1 NW, 2 NW, 3 NW, 4 और NW 5। ठीक है, पहले भी यही थे और आज भी यही है, समझिए मेरी बात। ठीक है, आगे बात करें। सबसे पहला हमारा जो वाटरवे है वो इलाहाबाद से हल्दिया है ना, इलाहाबाद से हल्दिया का मतलब यूपी से जा रहा है वेस्ट बंगाल, सबसे लॉन्गेस्ट भी यही है, 1620 किलोमीटर का है। ओके, किस कौन से रिवर के ऊपर है? गंगा के ऊपर है। दूसरा वाला है NW1 NW2 सदिया टू धुबरी, समझ गए, आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर नियर बाय 900 किलोमीटर का। फिर NW3 की बात करें, यह कोलम टू कोटापुरम, कहां पर है यह? कोलम टू कोटापुरम है केरला के अंदर। चौथा है काकीनाड टू मराकन्नम, गोदावरी और कृष्णा के ऊपर है, 1000 किलोमीटर का। और पांचवा जो है वो आपके मंगलगढ़ी टू प्रायद्वीप और तलचर टू दामारा, ये आपके महानदी और ब्रह्मणी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। तो पेपर में पूछते हैं कि कहां से कहां तक है, कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में है। ये देखिए, सबसे पहला आपका, ये देखिए गंगा रिवर के ऊपर सबसे पहला देख रहा है हल्दिया तक, इसको बोलेंगे NW1। दूसरा वाला कहां पर है? ये देखिए सदिया टू धुबरी, इसको बोलेंगे NW2। आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और मेघालय, पहले वाले में यूपी बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल आ रहे हैं। तीसरे वाले की बात करें तो साउथ इंडिया में आ जाओ, वेस्ट कोस्ट कैनाल है कोलम टू कोटापुरम, 205 किलोमीटर का, केरला में, दिख रहा है आपको। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताना भूल गया, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है? वो शॉर्टेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, कोची टू वेलिंगटन NH 47 ए ही है, केरला के अंदर है, एक छोटे से आइलैंड पे जाता है, समझ गए, इसको अपन शॉर्टेस्ट हाईवे बोलते हैं। लॉन्गेस्ट जैसे अपना 44 है वैसे 47 है, ठीक है, मात्र कोई 6-7 किलोमीटर का है मतलब। ठीक है, इस कोई 6 किलोमीटर का है, 5.9 ही है इनफैक्ट, कोची से लेकर वेलिंगटन आइलैंड तक ये जाता है। ठीक है, वाटरवे के बारे में बात कर रहे थे, जूम कर लो इसको।
तीसरा वाला कर लिया, अब चलते हैं चौथे वाले की तरफ, NW4, गोदावरी कृष्णा कावेरी, सॉरी गोदावरी कृष्णा के ऊपर है, कैनाल के ऊपर, काकीनाड से पुडुचेरी 1000 किलोमीटर का, इसमें आपके आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी को फायदा मिलता है। फिर NW5 की बात करें तो यह ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल के ऊपर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, दिख रहा है ये वाला। और लास्ट है NW6 जो कि है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यह आपको बराक रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बराक रिवर, और ये आपके आसाम मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा वाले एरिया में 121 किलोमीटर का। ये अभी प्रोग्रेस के अंदर है, अभी NW6 5 फुल्ली काम कर रहे हैं, NW6 अभी प्रोग्रेस में है। ठीक है, समझ में आ गया क्या सबको? पहला हो गया गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्रा, तीसरा केरला, चौथा आपके गोदावरी कृष्णा पे, पांचवा आपके ब्रह्मणी पे, छठा आपके बराक के ऊपर। इस तरीके से मैप के थ्रू याद कर लेना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गया मेरी बात? सबको समझ आ गई क्या? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे पंकज, एक काम करना बेटा, देखो पंकज, ऑनलाइन के अंदर एक बहुत अच्छी बात पता है क्या होती है, कि आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हो, मैं अपने आप रिपीट कर दूंगा उस बात को, रहता है कि मैं 3 बार बोल चुका हूँ उसको, 4 बार, 3, 1 बार तो यहाँ पे पहले समझाया, उसके बाद वापस यहाँ पे समझाया, उसके बाद में वापस से बताया, उसके बाद में नहीं समझ आ रहा तो फिर बताओ क्या करूँ मैं। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, टेक्नोलॉजी का सहारा लो, और बढ़िया में एक बार नहीं आप 100 बार भी रिपीट करवा सकते हो। HW का फुल फॉर्म पूछ रहा है एक बच्चा, HW नहीं है, HW होता है नेशनल, NW है वो, नेशनल वाटरवे बोलते हैं उसको, NW नेशनल वाटरवे। अर्पित अपना कोर्स खत्म करो, यही है सबसे पहले टिप्स, सिलेबस देखो और कोर्स खत्म करो। चलिए मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, हमारे देश में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी है। ठीक है, जैसे कि वेस्ट कोस्ट के ऊपर भी और ईस्ट के ऊपर भी, ठीक तो वेस्ट वाले साइड पे बात करूं तो गुजरात से केरला तक पोर्ट है, जैसे कि टाइडल पोर्ट गुजरात में, मुंबई का सबसे बिजिएस्ट है और सबसे बड़ा भी है, जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं नवसेरा, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग जवाहरलाल नेहरू। गोवा में भी है, मर्म गोवा, मैंगलोर के अंदर भी है, और कोची के अंदर नेचुरल हार्बर है, तो ये आपको वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेंगे। टोटल 12 पोर्ट है, ये देखिए कांडला पोर्ट, पंडित दीनदयाल जी के ऊपर इसको नाम पे रख दिया गया, एकमात्र प्राइवेट पोर्ट भी है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, अडानी,
मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मर्म गोवा, बेंगलुरु और कोची, ये आपके वेस्टर्न साइड हो गए। इसी प्रकार से ईस्टर्न साइड भी है, कांडला उड़ीसा के अंदर, कांडला तो कहां से आ गया यहाँ पे, उड़ीसा वाला कांडला पोर्ट नहीं है, वो तो गुजरात उस साइड है। ठीक है, उड़ीसा वाले पोर्ट को क्या बोलते हैं, उड़ीसा वाले पोर्ट को क्या बोलते हैं, पैरादीप। फिर विशाखापट्टनम है डीपेस्ट पोर्ट, चेन्नई के अंदर सबसे मॉडर्न है, एन्नौर के अंदर भी मॉडर्न बना रखा है, तमिलनाडु में चेन्नई एन्नौर, टूटीकोरन भी तमिलनाडु में, और पोर्ट बेलवे में हमने स्ट्रेटेजिकली बना रखा है। ये आपकी कुछ वेस्टर्न वाली साइड के ऊपर है, आप देख सकते हैं एन्नौर, चेन्नई, टूटीकोरन, विशाखापट्टनम, पैरादीप और ये कोलकाता का। आप प्लस में मंथली पे कर सकते हो अभिषेक। गाइज अगर किसी को कंप्लीट जीके पढ़नी हो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, तो आप एसएससी का प्लस ले सकते हैं मात्र 450 रुपये पर मंथ में। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छी बात ये जो एसएससी वाला जो है ना प्लस, इससे सिर्फ आप एसएससी नहीं, इससे आप अपना रेलवे के एग्जाम, आप अपना पीसीएस का एग्जाम, डिफेंस के, पुलिस के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, और एसएससी के सारे एग्जाम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला हो चुका है अपना। तो आज हमने दोस्तों क्या क्या कवर कर लिया, हमने सबसे पहले आज किया रोडवेज, उसके बाद किया हमने वाटरवे, उसके बाद पोर्ट, ये तीन ट्रांसपोर्ट के मीडियम है जो कि आज हमने करे। एयरपोर्ट वाला जो है ये मैं पहले से ही आपको करवा चुका हूं, समझ गए। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, बाकी कल कवर करेंगे, रेस्ट जो होगा वीडियो ट्रांसपोर्ट का ऊपर वो कल करेंगे। ठीक है गाइज, थोड़ा सा बच गया, रेलवे कर लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में, रेलवे कवर करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट के बारे में भी ले लेंगे, ये अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गाइज तो ये था आज का आपका सेशन, समझ में आया आपको आज का सेशन, सबको ले लेना प्लस, रेफरल कोड आपको मालूम ही है, BHU10 लगा लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा, कॉइन यूज कर लेना उससे और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, फिर मिलते हैं वापस से। ठीक है, थैंक यू। कुछ डाउट देख लेता हूँ आपके। ठीक है, अपने टॉपिक बाकी के है ना आपने, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।